हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीज ब्यूटी हैक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, देन एक बेल आइकन आएगी वो भी दबाना, ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आपको मिले। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बेबी पाउडर हैक्स। बेबी पाउडर को आप बहुत तरीके से काम में ले सकते हो। आपको फेस के लिए लेना है तो अच्छा होगा कि आप हर्बल पाउडर लें, तो आप हिमालय का बेबी पाउडर भी ले सकते हैं। तो अब देखते हैं हम क्या क्या यूजेज हैं इसके। तो आप मस्करा लगाने से पहले अपनी आई लैशेज पर बेबी पाउडर लगा सकते हो, अपनी आई लैशेज को एक्स्ट्रा वॉल्यूम देने के लिए। जहाँ आप हाइलाइटर लगाते हो वहाँ भी बेबी पाउडर लगा सकते हो एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के लिए। आप लिपस्टिक लगाने के बाद भी बेबी पाउडर लगा सकते हो, इससे आपकी लिपस्टिक मैट दिखेगी और बिल्कुल भी नहीं फैलेगी। आप टिश्यू पेपर लगा के बेबी पाउडर लगा सकते हो या फिर सीधा ही लगा सकते हो। आप अपने बालों को एक्स्ट्रा वॉल्यूम देने के लिए भी बेबी पाउडर लगा सकते हो। आप बेबी पाउडर से ब्लश भी बना सकते हो। आपको लेना है बेबी पाउडर और उसमें आप कोई भी ग्लिटर पाउडर या फिर आई शेडो या फिर बीटरूट पाउडर मिला सकते हो और आपका अच्छा सा ब्लश तैयार हो जाएगा और बिल्कुल नेचुरल लुक देगा। और मैंने ऑलरेडी बहुत से ब्लश बना रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं, बीटरूट वाला या फिर क्रीम ब्लश। अब मैं आपको अपने हाथ पे ये लगा के बताती हूँ। तो ये काफ़ी प्यारा कलर देगा। आप आई शेडो भी बना सकते हो बेबी पाउडर से। आपको लेना है बेबी पाउडर और उसमें मिलाना है काजल पाउडर। काजल पाउडर भी हमने घर पर ही बनाया था, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद आप इसमें रबिंग अल्कोहल मिलाएं। मैंने बेबी पाउडर से बहुत से आई शेडो भी बना सकते हैं, बनाया हुआ है एक वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसको कुछ घंटे लगेंगे सेट होने में, पर मैं आपको बता देती हूँ ये किस तरह का कलर देगा। वैसे तो सूखने पे आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। आप बेबी पाउडर से कॉम्पैक्ट पाउडर भी बना सकते हो। इसके लिए आपको इसमें मिलाना है सैंडलवुड पाउडर। अगर आपको डार्क बनाना है तो आप ज़्यादा पाउडर मिलाएं सैंडलवुड, और आपको लाइट बनाना है तो आप कम चंदन पाउडर मिलाएं। आप वैक्सिंग से पहले भी पाउडर लगा सकते हैं, इससे आपकी वैक्सिंग ईजीली होगी। अगर आपके सूट टाइट हैं इसलिए भी आप पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप इसकी स्मेल को दूर करने के लिए भी इसमें पाउडर डाल सकते हैं। आप अपने अंडर आर्म्स पे भी बेबी पाउडर लगा सकते हैं अच्छी स्मेल के लिए और पसीने से बचने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना।
वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।